राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। मंदिर निर्माण में जो है वो चौतरे का काम वो लगभग पूरा हो गया है, और अब जब जो है राम मंदिर में जो पत्थर लगाने हैं, जो ढांचा तैयार करना है, अब उन पत्थरों की खेप भी आनी शुरू हो गई है। बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं वो पत्थर अब राम मंदिर में लगाने का काम शुरू हो गया है, और पत्थर की दूसरी खेप आई है। और हमारे साथ मौजूद हैं पत्थर लाने वाले ड्राइवर, हम उनसे जानेंगे कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से सुरक्षित इन पत्थरों को यहाँ तक लाया जा रहा है। ये कहाँ से पत्थर आ रहे हैं? ये राजस्थान से पिंडवाड़ा। अच्छा, कितने पत्थर एक बार में ला रहे हैं गाड़ी में? ये 35 टन। अच्छा, 35 टन। हाँ जी। ये कहाँ जाएंगे पत्थर? ये राम मंदिर में। कितने पत्थर हैं ये? इसमें बहुत सारे हैं। कहाँ से ला रहे हैं इसको? पिंडवाड़ा से। अच्छा, हमारे साथ विश्व परिषद के प्रवक्ता हैं शरद शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे कि पत्थर जो है, इन पत्थरों का प्रयोग अब किससे मतलब शुरू होगा, कब से, क्योंकि 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है, और जो पत्थर की दूसरी खेप है वो भी अब पहुंच गई है। जो पत्थर है पहुंचना शुरू हो गया है, क्या लगता है? देखिए, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार सक्रिय है कि हम 2023 में गर्भगृह बना लें और वहाँ पर भगवान रामलला विराजमान हो जाएँ। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने विगत दिनों इस दौरा भी किया राजस्थान का, और निर्णय हुआ कि इन पत्थरों को शीघ्र अयोध्या पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 1990 से 2019 तक जिन पत्थरों की तराशी नक्काशी हुई थी वह यहां पर रखे हुए हैं, लेकिन जिन पत्थरों की अभी कमी, क्योंकि मंदिर का संपूर्ण भाग जो है वह विस्तृत हुआ है, उसमें और भी जो है बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए जो है उन बढ़ोतरी हुए जो है पत्थरों को अब इस कार्य में लाने का जो है समय आ गया है, तो इस हेतु जो है इन पत्थरों को यहाँ पर लाया गया है। मुझे लगता है कि ये दूसरी खेप यहाँ पर पहुँची है, ये बंसी पहाड़पुर राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ से लाकर रखा गया है, और यह जो है पत्थर शीघ्र लगे मंदिर में, इसके लिए प्रयासरत हैं लोग। और आज जो है यहाँ पर लगभग एक दर्जन के आसपास, या मुझे लगता है 8 से 10 ट्रकें जो है अयोध्या पहुँची हैं, और इन पत्थरों को ले जाया जाएगा अंदर। अभी गेट नंबर 3 पर ये राम जन्मभूमि पर खड़ा है। इन पत्थरों की नकाशी वहाँ बंसी पहाड़पुर से होकर के ही आ रहे हैं, या फिर कार्यशाला अंदर लगाई जाएगी इन पत्थरों की नकाशी के लिए? देखिए, विकल्प दोनों है, क्योंकि सितंबर 1990 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा, तो 2 कार्यशालाएँ थीं। उसके बाद जो है लगभग 4 स्थानों पर, या कहेंगे आधे दर्जन स्थानों पर, बंसी पहाड़पुर या पिंडवाड़ा में भी जो है कार्यशाला प्रारंभ की गई थी, और उसके कारण जो है संपूर्ण मंदिर का जो एक भाग था वह लगभग 40 से 50% पूरा हुआ था, लेकिन चूंकि यह मंदिर का जो भाग है यह और भी विकसित हो रहा है, और इसको विकसित किया गया है, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा दी गई, तब से लगातार जो है पत्थरों को लाने का काम जो है ये हुआ कि अब यहाँ पर भी तराशी हो और वहाँ पर भी हो, तो इस कारण से जो है इनको लाने का, यहाँ पर ये लाकर एकत्रित किया गया। इन पत्थरों का कब से प्रयोग किया जाएगा? देखिए, इन पत्थरों का प्रयोग जो है अभी चूंकि नींव का काम हो चुका है और प्लिंथ का काम जो है हो रहा है, और मुझे लगता है कि इन पत्थरों को शीघ्र लगाने का काम प्रारंभ हो जाएगा, और अभी गर्भगृह का जो निर्माण 2023 में जिस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कह रहा है वो लगता है हो जाएगा। तो आपको बता दें, जो पत्थर हैं ये बंसी पहाड़पुर से पत्थर आ रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं, इन ट्रकों में जो है पत्थरों को लाया गया है, इनको सुरक्षित लाया गया, क्योंकि इन पत्थरों की जो नकासी है वो बंसी पहाड़पुर से ही होकर के आ रही है। इन नकासियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही वजह से जो पत्थर हैं वो कुछ ही भागों में लाया जा रहा है कि पत्थरों को नुकसान ना हो, इस वजह से थोड़े थोड़े पत्थर बंसी पहाड़पुर से राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रहे हैं, और जल्द भगवान रामलला का गर्भगृह बन करके तैयार होगा। कहा ट्रस्ट 3036 जो ट्रस्ट है वो कह रहा है कि 2023 के अंत में राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, ABP गंगा, अयोध्या। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।